गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। विच क्लास? क्लास फोर्थ। क्लास फोर्थ। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास? नंबर्स, लार्ज नंबर्स। यस, लार्ज नंबर्स। क्या डिस्कस किया था? लार्ज नंबर एंड स्मॉल नंबर। जो स्मॉल डिजिट होती है और सॉरी जो स्मॉल नंबर होते हैं और जो लार्ज नंबर होते हैं, 0, 1, ये क्या होते हैं? सबसे स्मॉल नंबर। और लार्ज जो होते हैं वो सबसे लार्ज नंबर होते हैं। डिस्कस किया था कि जो है अपन 1000 को कैसे राइट करते हैं, 10,000 को कैसे राइट करते हैं एंड 1 लाख को कैसे राइट करते हैं, ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके, वी विल डिस्कस इन इंडियन प्लेस सिस्टम। इंडियन प्लेस सिस्टम, ओके, इंडियन प्लेस सॉरी प्लेस वैल्यू सिस्टम, प्लेस वैल्यू सिस्टम। यस, ओके, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसके लिए अपन एक अपन पीरियड बना के देखेंगे, पीरियड बना के और उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है वो जो क्या होता है। तो अपन ये अपन एक पीरियड बनाई है, ओके, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 4, इनके अपन क्या देखेंगे? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो वन अपन नंबर रीडिंग जो है वो कैसे करते हैं? 1, 10, 100, 1000, 100,000, यस। तो मेरे को ये नंबर आप रुक करके बताइए कि जो वंस है वो कौन सा है, कौन सा है? जो राइट हैंड की साइड जो फर्स्ट डिजिट होती है उसे अपन क्या बोलेंगे? 1। क्या बोलेंगे? 1। तो ये क्या है? 1, ओके। और जो सेकंड वाली डिजिट है उसे अपन क्या बोलेंगे? 10। तो 1 क्या है यहाँ पे? 10। थर्ड वाली डिजिट क्या है? 100। कितने 100 है? 200। फोर्थ वाली जो डिजिट है वो क्या है? कौन से 100? कितने 100 है? सॉरी, फोर वाली जो डिजिट है वो क्या है? 1000। और कितने 1000 है यहाँ पे? 4000। ओके, कितने 1000 है बेटा? 4000। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है कि जो 1, 10, 100 जो होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? वंस। इन जो तीनों को ही अपन क्या कहेंगे? वंस। क्या कहेंगे? वंस, ओके। और जो 1000 एंड 10,000 होता है उन्हें अपन क्या बोलेंगे? 1000। अगर 1000 की जगह अगर 1000 के साथ यहाँ पे 10,000 भी आ जाता है, जैसे यहाँ पे अगर 4 के आगे मैं 6 राइट कर दूँ या फिर 7 राइट कर दूँ तो ये हो जाएगा 74,000। क्या हो जाएगा ये? 74,000। तो ये तो हो गया 1000 और ये हो गया 10,000। क्या हो गया ये? 10,000। तो 10,000 कौन सा है? 7।
चलो मैं इसको भी 10,000 से ही बता दूँ, ठीक है। ये सेविंग क्या हो गया 10,000, लेकिन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, 1,000 और 10,000 को क्या बोलेंगे अपन, 1,000, क्या बोलेंगे 1,000। फिर वन मोर नंबर देखते हैं, 4 क्या है, वन क्या है, 10। टू क्या है, 100। सिक्स क्या है, 1,000, क्या है बेटा, 1,000। और 8 क्या है, 10,000, क्या हो गया, 10,000। वंस टेन हंड्रेड को तो अपन क्या बोलेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, वंस बोलेंगे, और 1,000 और 10,000 को अपन क्या बोलेंगे, 1,000, क्या बोलेंगे, 1,000। वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं, 2,1,8,4,0, ओके। वंस क्या है, 0, वंस क्या है, 0। फोर क्या है, 10, सेकेंड वाली डिजिट क्या है, 4 है ना, सेकेंड वाली डिजिट को अपन क्या बोलेंगे, 10। 100, थर्ड वाली डिजिट क्या है, 100, तो 100 कितने हैं, 800। फिर 4 वाली डिजिट क्या है, 1, 1,000 कितने हैं, 1। 5 वाली डिजिट क्या है, 2, 10,000 कितने हैं, 2, ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिए, 10,000, ओके। वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, ओके। तो 215 तो क्या है, वंस है, 214 तो क्या है, वंस है, 840 क्या है, वंस है, और इधर 74,000 तो ये क्या है, 1,000 है। ये वाली कौन सी डिजिट है, 1,000 वाली डिजिट है। आर यू अंडरस्टूड, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अपन अबेकस, नंबर्स को जो है अबेकस में कैसे राइट करेंगे, नंबर्स को जो है अबेकस में अपन कैसे राइट कर सकते हैं, अबेकस नंबर, अबेकस नंबर। अबेकस नंबर के मैं 2,4,1,7,2,1,4,2,5 ये मैं 3 एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगी। ये मैंने यहाँ पे वन पे वन स्ट्रेट लाइन बनाई, ओके। फिर मैंने 10 पे भी एक स्ट्रेट लाइन बना दी, फिर 100 पे भी मैंने वन स्ट्रेट लाइन बनाई, और 1,000 पे भी मैंने वन स्ट्रेट लाइन बनाई, ओके। अब देखो अपन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर राइट करेंगे, तो वन वन कौन सा है, फर्स्ट वाली डिजिट क्या है, 1। 10 कौन सी है, 4। 100 थर्ड वाली डिजिट कौन सी है, 100। 4 वाली डिजिट 1,000, तो 5 क्या है, 1,000। अबेकस में कैसे राइट करते हैं कि जितने नंबर होते हैं अपन उसकी स्ट्रेट लाइन पे उतने ही अपन बिट्स लगाते हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर हैं, 1, तो अपन ने यहाँ पे 1 बिट्स लगा दिया। फिर सेकेंड वाली जो 10 वाली जो डिजिट है वहाँ पे कितने नंबर है, 4, तो मैंने यहाँ पे कितनी डिजिट कितनी बिट्स लगाई, 4। फिर देखो 100 वाली जो डिजिट है वहाँ पे कितने नंबर है, 2, तो मैंने कितनी बिट्स लगाई यहाँ पे, 2। फिर देखो 1,000 में कितने नंबर है, 5, तो मैंने यहाँ पे कितनी बिट्स लगाई, 5। देखो 1,4,2,5 मीन्स वंस के नीचे जितने नंबर होंगे उतने ही अपन उसकी स्ट्रेट लाइन पे बिट्स लगा देंगे। अगर वन की जगह यहाँ पे 0 होता तो अपन यहाँ पे कोई भी बिट्स नहीं लगाते, है ना। जैसे अभी मैं इसको
जीरो बना देती हूँ ना। फिर देखो नेक्स्ट, ये समझ में आया सबको? वंस टेन हंड्रेड थाउजेंड, वंस टेन हंड्रेड थाउजेंड। अब अपन इनकी जस्ट ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, ओके। अब देखो सेकंड वाली डिजिट हंड्रेड तक ही है ना, फर्स्ट वाली डिजिट क्या है वन, सेकंड वाली डिजिट क्या है टू, थर्ड वाली डिजिट क्या है सेवन, सेवन हंड्रेड ट्वेंटी वन, सेवन हंड्रेड ट्वेंटी वन। इसको अपन कैसे राइट करेंगे आबेकस में? तो वन के डाउन में देखो कितने नंबर है वन, तो बिट्स कितने लगाएंगे वन। टेन के डाउन में कितने नंबर है टू, तो अपन बिट्स कितने लगाएंगे टू। फिर देखो हंड्रेड के डाउन में कितने नंबर है सेवन, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितने नंबर लगा दिए अपन ने सेवन, कितनी बिट्स लगा दी यहाँ पे सेवन, ओके। ये है थ्री डिजिट वाला। अब अपन जीरो, आपको रहता है डाउट कहाँ पे? जीरो वाले में डाउट रहता है। अभी आपका जीरो वाला डाउट भी जो है मैं क्लियर कर दूं। वन टेन हंड्रेड थाउजेंड, ओके। वन, वन क्या है जीरो, वन क्या है जीरो, टेन क्या है टू, टू टेन, फोर हंड्रेड, फोर थाउजेंड। अपन वही स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ओके। अगर यहाँ पे 10,000 होता तो यहाँ पे वन मोर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ना, जितने यहाँ पे डिजिट होती है उतने ही स्ट्रेट लाइन अपन बनाते हैं। तो देखो वन के डाउन में क्या है नंबर जीरो है, तो यहाँ पे अपन कोई भी बिट्स नहीं लगाएंगे। अगर जीरो आता है तो अपन कोई भी बिट्स नहीं लगाते, अपन बिट्स लगाते हैं नंबर्स में, ओके। तो जीरो है तो यहाँ पे मैंने कोई बिट्स नहीं लगाई है। फिर देखो टेंस, टेन के डाउन में क्या है टू, क्या है बेटा टू, तो अपन कितने बिट्स लगाएंगे टू बिट्स लगा देंगे। फिर हंड्रेड, हंड्रेड के डाउन में कितने हैं फोर, तो अपन बिट्स कितने लगाएंगे यहाँ पे फोर। थाउजेंड, थाउजेंड के डाउन में कितने हैं फोर, वही फोर लगा दिए। समझ में आया अबेकस कि अपन नंबर्स को जो है अबेकस में कैसे राइट कर सकते हैं? अपन छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्जांपल लेके अपन इसी तरीके से अबेकस में अपन राइट कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टूड? ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, रिमेन टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।